मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहुत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिल्यू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आंबेडकर सहित देश हर व्यक्ति को, हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है और भारत के हर कोने में, हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है। गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। जय पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा वो कभी खत्म होने नहीं दी। आज इन सभी संघर्ष के पुरोगा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा, उन सबको भी प्रणाम करने का वक्त है और वे प्रणाम के हकदार भी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन की हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बढ़ा दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में
भारत में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है। कुछ यहां है, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर, हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना, ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रगति पथ पर बढ़ रहे हमारे देश के सामने और विश्व में पूरी मानव जात के सामने कोरोना का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता? पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में, जब पूरी दुनिया में महामारी हो, तब
हमें वैक्सीन कैसे मिलता, लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। चौपन करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। ये बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कम लोग संक्रमित हुए। ये भी सही है कि दुनिया के देशों की जनसंख्या की तुलना में भारत में हम अधिकतम मात्रा में हमारे नागरिकों को बचा सके, लेकिन ये हमारे लिए पीठ थपथपाने का विषय नहीं है, संतोष पाकर के सो जाने का विषय नहीं है। ये कहना कि कोई चुनौती नहीं थी, ये हमारे अपने विकास के आगे के रास्तों को बंद करने वाली सोच बन जाएगी। दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं कम है, विश्व के पास समृद्ध देशों के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी, और दूसरी तरफ हमारे यहां जनसंख्या भी बहुत है, विश्व की तुलना में बहुत जनसंख्या, और हमारी जीवन शैली भी कुछ अलग सी है, सारे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए, कितने ही बच्चों के सिर पर कोई हाथ फेरने वाला चला गया, उसे दुलारने उसकी जिद पूरी करने वाला चला गया। ये असहनीय पीड़ा, ये तकलीफ हमेशा से साथ रहने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है, हमने नए संकल्पों को आधार बनाना, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां
नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है, लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ बात यहां पूरी नहीं होती है। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। 100% का मूड बना के चलना है। आज तक हमारे यहां कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया
जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने बिजली 100% घरों तक पहुंचाई, जैसे हमने 100% घरों में शौचालय के निर्माण का प्रामाणिक प्रयास किया, वैसे ही हमें अब योजनाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमें समय सीमा बहुत दूर नहीं रखनी है, हमें कुछ ही वर्षों में अपने संकल्पों को साकार करना है। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद यही हमारी पूंजी है। इस 100% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जब सरकार ये लक्ष्य बनाकर चलती है कि हमें समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचना है, तो न कोई भेदभाव हो पाता है और न ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए यह तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल 45 कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। इसके लिए मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है, साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे।
मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल, ये समय की मांग है, बहुत जरूरी है। इसके लिए जो वर्ग पीछे है, जो क्षेत्र पीछे है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे, वैसे ही देश का कोई भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, अब उसे और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, हमारी कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, ये भविष्य में भारत के विकास का, भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा और हमें ये काम अमृतकाल के कुछ दशक में ही पूरा करना है। सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। 21वीं सदी के इस दशक में भारत ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों को और तेजी देगा। हमें एक्वा कल्चर के साथ साथ सी वीड की खेती में बन रहे जो नई संभावना बन रही है, उन संभावनाओं का भी पूरा लाभ उठाना है। डीप ओशन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जो खनिज संपदा समंदर के में छिपी हुई है, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, और वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है। देश के जिन जिलों के लिए ये माना गया था कि पीछे रह गए, हमने उनकी आकांक्षाओं को भी जगाया है। देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में हैं। हमने इन जिलों के बीच विकास की एक तंदुरुस्त स्पर्धा का एक उत्साह पैदा किया है। ये आकांक्षी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुंचे, उस दिशा में तेज स्पर्धा चल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अर्थ जगत में पूंजीवाद और समाजवाद, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन भारत सहकारवाद पर भी बल देता है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। सहकारवाद जिसमें जनता जनार्दन की सामूहिक शक्ति का अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में ड्राइविंग फोर्स बने, ये देश के ग्रासरूट लेवल की इकोनॉमी के लिए एक अहम क्षेत्र है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मनः प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाया है। और राज्यों के अंदर जो सहकारी क्षेत्र है, उसको जितना ज्यादा बल दे सके, वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस दशक में हमने गांवों में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे, वो पूरा कालखंड हमारा रहा, लेकिन अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है, गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स को देश में और विदेश में
बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी तैयार करेगी। आज जब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी और विदेशों में भी लोगों से जोड़ेगा और उनका फलक बहुत विस्तृत होगा। कोरोना के दौरान देश ने टेक्नोलॉजी की ताकत और हमारे वैज्ञानिकों का सामर्थ्य और उनकी प्रतिबद्धता को देखा है। देश के हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ें। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे रो रहे हैं, उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी 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 से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी, और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, MSP को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए PM किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान, छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है।
आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पाद का कम कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। कमलम हो या शाही लीची, भूत जलोकिया मिर्च हो या काला चावल या हल्दी, अनेकों उत्पाद अब दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे आज गांवों के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण है स्वामित्व योजना। हम सब जानते हैं कि गांवों में जमीन की कीमती के कितनी, जमीन की कीमत का क्या हल होता है। जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है, खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद भी, क्योंकि गांव में जमीनों के कागज पर कई कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है, लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। आज गांव गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन भी मिलने की व्यवस्था निर्माण हुई है। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, अकंठ उसका जल पियो, और उसके बाद, देखिए स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता, उसके बाद सामने की ओर देखो, आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। आजादी के 75वें वर्ष में हमारा दायित्व है कि अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। हमें मिलकर काम करना होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा
वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। ये मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है, शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी बात को समझते हुए जल थल नभ हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, यह अभूतपूर्व है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गतिशक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गतिशक्ति साइलोस को तोड़ेगी, भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोड़ों को, जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानवीय के लिए ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गतिशक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स के निर्माण की नई संभावनाएं भी विकसित होगी। अमृत काल के
इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे सामर्थ्य को उजागर करता है। कोरोना के बाद उभरी नई आर्थिक परिस्थितियों में मेक इन इंडिया को स्थापित करने के लिए देश ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को भी घोषणा की है। इस स्कीम से जो बदलाव आ रहा है उसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। 7 साल पहले हम लगभग 8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट यानी आयात करते थे। अब इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा घटी है, आज हम 3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिल रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाए उसे हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ ग्लोबल कंपटीशन में टिके और हो सके तो एक कदम आगे बढ़े, ये तैयारी करनी है और ग्लोबल मार्केट को हमने टारगेट करना है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जाता रहेगा उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हां ये मेड इन इंडिया है, ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। हमने देखा है कोरोना के इस कठिन काल में ही हजारों हजारों नए स्टार्टअप्स
उभर करके आए हैं, बड़ी सफलता से वे आगे बढ़ रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। इस दशक में भारत के स्टार्टअप्स, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको हम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हमें इस दिशा में काम करना है, हमें रुकना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े परिवर्तन लाने के लिए, बड़े रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। अमृत काल के इस दशक में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को, और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी नागरिकों को जो कुछ मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी है वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक सीमलेसली, बिना झिझक, बिना कठिनाई से उसको पहुंचे। देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का बेवजह दखल समाप्त करना ही होगा। पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी, ये उस समय की शायद मांग रही होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीते 7 वर्षों में देश में इसके लिए प्रयास भी बढ़ा है कि देश के लोगों को अनावश्यक कानूनों के जाल, अनावश्यक प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। कोरोना के इस कालखंड में भी सरकार ने 15,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को समाप्त किया है। अब आप देखिए, आपको भी अनुभव होगा, कोई एक छोटा सरकारी काम हो, ढेर सारे कागज, बार बार कागज, एक ही जानकारी अनेक बार, यही चलता रहा है। 15,000 कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। आप सोचिए, 200 साल पहले, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, 200 साल पहले हमारे यहां एक कानून चला आ रहा है, 200 साल यानी 1857 से भी पहले से, जिसकी वजह से देश के नागरिक को मैपिंग यानी नक्शा बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब विचार कीजिए, 1857 से चल रहा है, नक्शा बनाना है तो सरकार को पूछिए, नक्शा किसी किताब में छापना है तो सरकार से पूछिए, नक्शा खो जाने पर गिरफ्तारी का भी उसमें प्रावधान है। आजकल हर फोन में मैप का ऐप है, सैटेलाइट की इतनी ताकत है कि फिर ऐसे कानूनों का बोझ सिर पर लेकर देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? कंप्लायंसेस का ये बोझ उतरना बहुत जरूरी है। मैपिंग की बात हो, स्पेस की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, बीपीओ की बात हो,
जैसे अनेक सेक्टरों में बहुत सारे रेगुलेशंस को हमने समाप्त कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति, ईज ऑफ लिविंग, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के उद्योग और व्यापार आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आज दर्जनों श्रम कानून सिर्फ 4 कोड में समा चुके हैं। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी अब आसान और फेसलेस किया गया है। इस तरह के रिफॉर्म सिर्फ सरकार तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों, नगर पालिकाओं तक पहुंचे। इस पर देश की हर व्यवस्था को मिलकर के काम करना होगा। मैं जो आह्वान कर रहा हूं और बड़े आग्रह से कर रहा हूं, केंद्र हो या राज्य, सभी के विभागों से मैं कह रहा हूं, सभी सरकारी कार्यालयों से कह रहा हूं, अपने यहां नियमों प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाइए। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। मुझे पता है जो ये 70-75 साल में जमा हुआ है वो एक दिन में या एक साल में नहीं जाएगा, लेकिन मन बनाकर काम शुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में पीपल सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की शुरुआत भी की है। मेरे प्यारे देशवासियों, कौशल और सामर्थ्य से भरे, अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है। किसकी होती है? बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में भाषा को लेकर एक बड़ा विभाजन पैदा हो गया है। भाषा की वजह से हमने देश के बहुत बड़े टैलेंट को पिंजरे में बांध दिया है। मातृभाषा में होनहार लोग मिल सकते हैं, मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई का साधन भाषा है, ऐसा मैं मानता हूं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एक प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनकर के काम आने वाला है। गरीबी से जंग जीतने का आधार भी मातृभाषा की शिक्षा है, मातृभाषा की प्रतिष्ठा है, मातृभाषा का महत्व है। देश ने देखा है खेल के मैदान में, और हम अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी, और उसका परिणाम देखा है कि युवा हमारे खिलने लगे हैं, खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। अब ऐसा ही
जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर के जगह मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम है उनमें एक स्पोर्ट्स भी है। जीवन में संपूर्णता के लिए जीवन में खेलकूद होना, स्पोर्ट्स होना बहुत आवश्यक है। एक समय था जब खेलकूद की मुख्य धारा नहीं समझा जाता था। माँ बाप भी बच्चों से कहते थे कि खेलते ही रहोगे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। अब देश में फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक जागरूकता आई है। इस बार ओलंपिक में भी हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। ये बदलाव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म लाने के जो अभियान चल रहा है, इस दशक में हमें उसे और तेज करना है और व्यापक करना है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक में हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इसके लिए देश के शासन प्रशासन को, पुलिस और न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, उनके भी लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। विश्व में नेशनल सिक्योरिटी का जितना महत्व है, वैसा ही महत्व एनवायरमेंट सिक्योरिटी को दिए जाने लगा है। भारत आज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक मुखर आवाज है। आज बायोडायवर्सिटी हो या लैंड न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या गोवर्धन से बायोगैस हो, और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं। भारत ने वन क्षेत्र को या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या, बाघों की संख्या और
एशियाटिक लायन सभी में वृद्धि हर देशवासी के लिए खुशी की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज G20 के जो देशों का समूह है उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट, इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए
आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का निर्णय हो, राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत की संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। आज कोरोना के इस दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया। कोरोना के बाद भी पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। कोरोना के दौरान दुनिया ने भारत के प्रयासों को देखा भी है और सराहा भी है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। हम भारत अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा पाए, इसके लिए हमारी रक्षा तैयारों को भी उतना ही सुदृढ़ रहना होगा। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने, भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे मेहनती उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी है। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश की रक्षा में लगी हमारी सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के महान विचारक श्री अरविंदो की जन्म जयंती भी है। साल 2022 में उनका 150वां जन्म जयंती का पर्व है। श्री अरविंदो भारत के उज्जवल भविष्य के स्वप्न दृष्टा थे। वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जागृत करना होगा। श्री अरविंदो की ये बातें हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है। एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा।
हमने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है, उस कालखंड में उसकी जरूरत भी रही है, लेकिन अब हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि बनाना है, सर्वोपरि रखना है। जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है, उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा, हर देशवासी को इसे ओन करना होगा। देश के जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव्य है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना। देश अगर डिजिटल लेन देन पर बल दे रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कम से कम कैश वाला ट्रांजेक्शन करना। देश ने लोकल फॉर वोकल का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे। देश के प्लास्टिक मुक्त भारत की जो हमारी कल्पना है, हमारा कर्तव्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पूरी तरह हमें रोकना होगा। ये हमारे ही कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डालें, अपने समंदर के किनारों को स्वच्छ रखें। हमें स्वच्छ भारत मिशन को भी एक और नए मुकाम तक पहुंचाना है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें इस आयोजन से जुड़ना भी, उसके में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, संकल्पों को बार बार जगाते रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। अपने स्वाधीनता संग्राम को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे, जो भी अमृत की बूंद की तरह अवश्य पवित्र होगा, और कोटि कोटि भारतीयों के प्रयास से बना ये अमृत कम आने वाले वर्षों के लिए प्रेरणा बनकर उत्साह जगाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। आज मैं जो संकल्प रूप में बोल रहा हूं, वो 25 साल के बाद जो भी ध्वजारोहण करते होंगे, वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे, देश सिद्धि के रूप में उसका गौरव गान करता होगा। जो आज देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है।
ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, जो कर ना सको, जो पा ना सको। तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा तो देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदले, मेरी यही कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं फिर एक बार बधाई देता हूं, और मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे 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 भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।